तुम फूल दोगी और मैं प्यार करूंगा? वैसे तुमसे कोई प्यार करता भी है? I love you, संतोष. No, please, I can't. संतोष, मैं तुमसे एक साल से प्यार कर रही हूँ और इससे सीनियर भी हूँ. तुम मेरे टाइप की नहीं हो. संतोष, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ. देखो, मैंने तुम्हारे नाम का टैटू भी बनवाया है. How crazy. मुझे हाँ कर दो ना संतोष. नहीं, मुझसे प्यार करो संतोष. हम लोग एक ही बिरादरी के हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं. मुझे हाँ करो ना संतोष. सॉरी. हाँ करो ना. प्लीज लीव मी. Hey all beautiful girls, what's up? अरे चलो जल्दी, बुखार आए. जल्दी करो. Hey ladies, wait. यही आ रहा है वो. अब बच के कहाँ जाओगी गर्ल्स? I love you. I hate you. तुम फूल दोगे और मैं तुमसे प्यार करूंगी? वैसे तुमसे कोई प्यार करता भी है? सेम डायलॉग. ए पागल, तुझे ना कहे तो तू रोएगा. हे एक्सक्यूज मी, मैंने सोचा कि तुमको अपनी गर्लफ्रेंड बना के रानी बनाऊंगा, पर यू मिस द चांस. चल फुट, लकी गर्ल, आई लव यू. अरे, अभी मुझे आई लव यू कहा, अब इसे कह रहे हो? तब तक तुम सोचो. तुम्हारे हाँ के इंतजार में दाढ़ी बढ़ा लूं, शायर बन जाऊं या सुसाइड कर लूं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. या तुम्हारे गले पर चाकू रख के तुमसे हाँ बुलवाऊं, मुझे जेल नहीं जाना यार. भाइयों और बहनों, सॉरी, दिस इज ओनली फॉर भाई लोग. अगर कोई लड़की तुमको ना कहे या ज्यादा भाव खाए तो उसके लिए रोने का नहीं, किसी और को प्रपोज कर देने का. भाई, यही है लड़कों का स्टाइल, ये है संतोष का स्टाइल बेबे. तो तुमने क्या सोचा? नो. अपने बाजू वाली को फूल पास करो. हे, हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, एकदम बराबर. मुझे हाँ कह दो प्लीज. सॉरी ब्रदर. थैंक यू सिस्टर. हेलो, तेरी मजनूगिरी बहुत हो गई. अब और की ना तो पुलिस स्टेशन में कम्प्लेन कर दूंगी, समझा? यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है. पर तेरे पीछे पुलिस वाली है. देखिए मैडम, ये हमें परेशान कर रहा है. मैंने किसी पुलिस वाली को नहीं छेड़ा. ए, क्या रे? सुबह मुर्गे की बांग से लेकर रात के झिंगारों तक आप पुलिस स्टेशन, चोर, गुंडे, जेल, मवाली, पॉकेट मार, क्रिमिनल्स, बोरिंग लाइफ. पर अगर आपकी लाइफ में एक मस्त चिकना हैंडसम लड़का आपसे कहे आई लव यू, तो फिर आप क्या करेंगी? तेरे टांगे तोड़ के जेल में डाल दूंगी. कल्टी. हेलो गर्ल्स. देख तो पागल. हाय. हाय, गुड मॉर्निंग सर. ध्यान से सुन और ज्यादा दिमाग मत लगा. दिमाग लगाएगा तो टकला हो जाएगा, फिर महंगी विग लगा के अपना चांद छुपाएगा. जब मैं बात कर रहा हूँ तो कान खड़े रख अपने. नहीं सुनेगा तो अगले महीने नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझा? ये काम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सुन रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बंटी, जैसा प्लान किया है वैसा कर, समझा? ठीक है. दुकान से सारा सामान खरीद, जगदम्बा सर्कल पर ट्रैफिक होगा तो वहाँ से यू टर्न ले लेना, समझा? हे मल्ली, वन सेकंड. किसी भी कीमत पर प्रोग्राम फेल नहीं होना चाहिए. क्या यार, कौन सा प्रोग्राम? शाम को छत पर बैठ के पीने का प्रोग्राम. ऑफिस आवर्स में तू ऐसे प्रोग्राम्स बना रहा है? हाय संतोष.
अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो, यहाँ आओ। मम्मी बचाओ। हाय मनोज, मुझे 10 बजे आके पिक कर लेना। रुक, दूसरा फोन आया है। हाय इस्माइल। अबे यार, इसका तो फोन बिल ही हम सबकी सैलरी से ज्यादा आता होगा। क्यों नहीं आएगा, उसके चार बॉयफ्रेंड जो है। चार बॉयफ्रेंड, यहाँ तो एक के भी लाले पड़े हैं। हाँ, मैं रात को फोन करती हूँ, चल बाय। आयशु, शाम के प्रोग्राम के लिए तैयारी हो गई? या एवरीथिंग ओके। ए, क्या हुआ यार, इतनी सैड क्यों है? कुछ नहीं, मैं अपने डैडी को बहुत मिस कर रही हूँ। हाय बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। डैडी, थैंक यू सो मच डैडी। थैंक यू बॉयज, टेक केयर बेटा, बाय। व्हाट अ सरप्राइज, तू बेकार में रो रही थी, डैडी ने तुझे विश भी किया। प्लीज केक काटो। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। कम ऑन, क्लैप 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 एवरीबॉडी। ये गिफ्ट आपके डैडी ने खास आपके लिए भेजा है। थैंक्स। आप? आई एम संतोष एंड वी आर फ्रॉम कार्टून गाइस। हर इंसान किसी से कुछ कहना चाहता है, पर वो किसी को कुछ बता नहीं पाता है, तीन वजहों से। पहला, वो उनसे बहुत दूर होते हैं। दूसरा, टाइम नहीं होता। और तीसरा, डर बहुत लगता है। तो हम लोग डिलीवर करते हैं लोगों को, फीलिंग्स को, उनके दिल तक, अलग 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 गेटअप्स में। बर्थडे हो या शादी, दोस्ती निभानी हो या प्यार का इजहार, किसी रूठे को मनाना हो तो हम है ना, किसी को लेने जाना हो या छोड़ने, कॉन्टैक्ट अस, कार्टून गाइस। एहसास आपका, इजहार हमारा। तेरी तो बच के कहाँ जाएगा? ए बिछड़, ये दे, ये दे। बहुत छोटा समझता है, आज तो गया। ये ले। ए, ये तो सुनी भाई है, इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा। मांडवाली और सेटलमेंट यही करता है, हमें इससे बच के रहना पड़ेगा। सूरी भाई है, सूरी भाई। वो कोई भी हो, मैं संतोष हूँ। सूरी, 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 मेरे भाई को मत मारो, प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज जाने दो। अगर रिश्ते की बात करनी है तो तुझे मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन तेरे भाई ने तो सीधे मेरी बहन को ही प्रपोज कर दिया। सुरी, सुरी प्लीज। जो मेरी बहन को प्रपोज करता है, मैं उसका सुरी जाने दो, सुरी। हाथ ही तोड़ देता हूँ। महेश, महेश तू ठीक है? ए नरसिंह, मूड अच्छा है इसलिए छोड़ दिया इसे, दोबारा ऐसी गलती की तो गला ही काट दूंगा। ए, सब लोग कान खोल कर सुन लो, अगर किसी ने सूरी की बहन को देखा भी तो उनकी आंखें नोच कर कौवों को खिला दूंगा। ए मल्ली, हाँ? कल सुबह तक मुझे बताओ इस सूरी की बहन कौन है। जब बात, तू संतोष नहीं है, इस सूरी को भेलपुरी देने वाला सिंघम है। और सुन मल्ली, इसकी बहन को उन लड़कियों से अलग रख जिनसे मैं प्यार करता हूँ। छिछोरे बुड्ढे, क्या रे, तेरी दुकान पे जो औरतें आती उनको छेड़ता है? अरे मैं उसको बुला रहा हूँ, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? मैं महिला संघ की प्रेसिडेंट हूँ, समझा? मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलो हटो। ए बुड्ढे, तू जैसे की वजह से हम महिलाओं पर अत्याचार होते, जुल्म होते, छेड़खानी होती है। इतना सब कुछ मेरी वजह से? मम्मी बचाओ। मैडम, क्या हुआ, आप अंकल को क्यों मार रही हैं? ये इस बहन को छेड़ रहा था। अपनी बीवी को छेड़ने में क्या प्रॉब्लम? मतलब ये दोनों पति पत्नी है।
मुझे बताया क्यों नहीं बहन? हमारी लड़ाई हुई थी, इसलिए इनसे बात नहीं करनी है। सॉरी सर, बिना वजह जाने अपने पति की तरह मैंने आपको धो दिया। तुम ही सही हो। ये सब क्या है अंकल? आप विशाखापट्टनम के कितने फेमस आर्टिस्ट हैं, आपको इसी शहर में कितनी लड़कियां मिल जाती, लेकिन आप आंटी लेके आए गोवा से भगा के, वो भी एकदम फिल्मी स्टाइल में, खतरों से खेल। फिल्मी स्टाइल ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं वो हूँ जो बादाम पिस्ता अपने बाजू से तोड़ दूँ। इसलिए वो लेडी भी माँ को तोड़ रही थी। अंकल रिलैक्स 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 रिलैक्स। आंटी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ये आपकी बहन की तरफ से और ये कार्टून गाइस की तरफ से। थैंक यू। मुझसे आज एक वादा कीजिए। कैसा वादा? आप दोनों कभी नहीं लड़ेंगे। मेरा वादा है। पर मेरा नहीं। यू बिहेव लाइक अ वाइफ फर्स्ट, यू बिहेव लाइक हस्बैंड। यू मैड यानास। यार तुझे पता है अच्छे दिन कब आएंगे? जब हस्बैंड वाइफ झगड़ना बंद कर देंगे। यू इडियट, यू थ्री इडियट, तुम भूत नहीं हो। भूल गए संतोष को क्यों बुलाया था? वो जा रहा है, रोको उसे। अरे संतोष, तुम्हें आज किसी को रिसीव करने जाना था ना? किसे? मेरी बहन की बेटी पूजा डिसोजा को। तुम अपने स्टाइल में जाओ और उसे रिसीव करो। हाँ, वो लंदन से गोवा और वहाँ से वाइजैग आ रही है। घूम के क्यों आ रही है? गोवा में उसके दादाजी रहते हैं। वो 8 साल की थी जब गई थी और अब 18 साल की होके वापस आ रही है। देखा संतोष, बचपन में बाहर गई थी और जवानी में वापस आ गई। सीधा स्टेशन जाओ और उसको रिसीव करके लाओ। संतोष मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तू ऑफिस जा, मैं उसको रिसीव करने स्टेशन जाता हूँ। रियली? यस। ओके जा। 4-5 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 10 मिनट में आ रही है। ये क्या कह रही है भैया? ये कह रही है कि ट्रेन 1 घंटा लेट है। तू ऐसा बोलना कि तुझे इंग्लिश नहीं आती, 10 मिनट में आ रही है। यार बचपन में जो इंग्लिश पढ़ी थी वो बहुत बदल चुकी है। हे मल्ली, वो लड़की दिखने में खूबसूरत होगी या बाकियों की तरह एवरेज होगी? मैं कोई बाबा हूँ जो ये बता दूँ? तू नहीं बताएगा तो ये कौन बताएगा? अच्छा अगर हेड आया तो वो खूबसूरत होगी और टेल आया तो एवरेज होगी। और खड़ा रह गया तो भगवान तुम्हारा भला करे। ए, ए, हेड आया ही टेल, ये तो बता दे। मुझे दिखाई नहीं देता भैया। फिर इतना अच्छा कैच कैसे किया यार? ए संतोष, वो देख आ गई। ए रुक जा रुक जा, धीरे धीरे। ए संतोष धीरे धीरे पलट, स्लोली स्लोली स्लोली। बहुत खूबसूरत है नहीं? बेटा बाहर जाने का रास्ता कहाँ से? आसान है आंटी, ये प्लेटफॉर्म से आप पटरी पर जाइए, ट्रेन आएगी और आप दुनिया से बाहर। बकवास करता है। आप सीधा जाकर लेफ्ट जाइए, वहाँ पर एग्जिट है। आई लव यू माई बॉय। सही है बेटा, कम से कम आंटी तो आई लव यू कह गई। बहुत जल्द एक लड़की भी कहेगी। देखते हैं। हेलो, ये फिर ख्याली वड़ा पाव पका रहा है क्या? आई एम पूजा। ए मोटी भूकंप ला। वेलकम टू वाइजैग। थैंक यू। वाओ संतोष, तुम बहुत अच्छा गिटार बजाते हो। क्या तुम मुझे लंदन जाने से पहले गिटार बजाना सिखाओगे? मतलब तुम यहाँ नहीं रहोगी? नो, मैं यहाँ छुट्टियों में आई हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मंथ वापस। अच्छा मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बस थोड़ी देर में आया। ओके। बबलू, हाँ क्या कर रहा है? पॉटी कर रहा हूँ। ठीक है, हाथ धो के आ। हेलो संतोष, कैसे हो? सुपर से भी ऊपर। हे डार्लिंग, एक्सरसाइज है? सही है। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। कैसी आंटी? ठीक हूँ बेटा। ये लीजिए, आपके बेटे ने आपके लिए स्वेटर्स भेजे हैं। खुश रहो बेटा। मेरा बेटा ठीक तो है? हाँ हाँ, डोंट वरी, वो अच्छा है। ये लोग कौन है? ये लोग पहले हमारे कॉलोनी में रहते थे। इनकी बहू बहुत बुरी है और इनका बेटा उससे डरता है,
इसी वजह से वो यहाँ रहते हैं। संतोष हर महीने इनके लिए गिफ्ट लाता है और कहता है इनके बेटे ने भेजा है। ग्रेट, अब चले। संतोष, अब तक मुझे लगा था तुम ये काम मजे के लिए कर रहे हो, पर इसमें भी ईमानदारी दिख रही है। थैंक यू। Emily, let's go. फॉरेन में रह के भी तुम संस्कार नहीं भूली बेटी? मेरी फैमिली संस्कारी है। ऐसा क्या, तुम तो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें कहाँ संस्कार है? मैंने संस्कार गुफाओं में सीखा है, तुम भी वहाँ से सीख लो। यस अंकल, अब बस भी कीजिए ना। मन तो कर रहा है इसे कहीं भेज दूं, लेकिन तुम आ गई हो तो। हे शांत हो जाओ, ये बताओ बेटा तुम्हारा सफर कैसा रहा? गोवा से वाइजैक तो बहुत बोरिंग था, पर स्टेशन से घर तक माइंड ब्लोइंग, नॉन स्टॉप मस्ती की बिकॉज ऑफ संतोष। शाबाश संतोष, आई लाइक यू। चकना कहाँ है? हर महफिल में तेरे जैसे चकना लुटेरे जरूर होते हैं। तेरी तो क्यों खाया? क्यों खाया? दारू कैसे पियेंगे? चकना सब खत्म हो गया। संतोष गुलाब के साथ आ रहा है यार। अब आकर कहेगा, हे मल्ली, आई एम इन लव, मुझे प्यार हो गया है, अभी देखना। हे मल्ली, आई एम इन लव, आई लव पूजा। देखा क्या कहा था? चेस। कोई भाव ही नहीं, तुम लोग दोस्त हो या दुश्मन? ये हमारे लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है भाई, पूजा से प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स जोकिंग न्यूज। अबे ओ, आज तक मैंने जितनी भी लड़कियों को प्रपोज किया है ना, उनको मैंने जेरोक्स दिल दिया है, पर पूजा को मैंने अपना ओरिजिनल दिल दिया है। क्या बोला? क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने मेरे बिहेवियर, कैरेक्टर और काम को पसंद किया है। तूने सुना नहीं, पूजा ने कहा कि आई लाइक यू संतोष। ओ, उसके फूल देने पर खुश हो रहा है। देख बेढीले आशिक, विदेशी लड़की हाई कहने पर हग और थोड़ा जानने पर किस भी करती है, और ज्यादा जानने पर मार डालती है। ये बता, पूजा ने सिर्फ आई लाइक यू कहा है ना, आई लव यू तो नहीं कहा है? एक दिन ना वो भी कहेगी बेटा। अच्छा, अबे उसने 2 घंटे में जब आई लाइक यू कहा है तो 2 दिन में तो उससे आई लव यू बुलवा ही लूंगा। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम कैलाश रखा है, वरुण जेटली ये नाम मैंने रखा है, मेरी चॉइस। एक इंसान से बदला लेने के लिए मैंने मोमो वाले से मार्शल आर्ट सीखी है। तुझे छोड़ूंगा नहीं। भाई भाई भाई, वो संतोष अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा है। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तलवार को धार दे जेटली। प्लीज ईट इडली। नो। बिना खाने के कैसे जिंदा रहोगे भैया? रह सकता हूँ, एक आम इंसान इडली, डोसा, सांबर, पोहा, पिज्जा, बर्गर, बिरयानी के बिना जिंदा रह सकता है, पर बदला लिए बिना जिंदा नहीं रह सकता। बदला बदला बदला, आखिर ये बदला क्यों? जब भी फ्लैशबैक पूछता हूँ तो पोस्टपोन कर देते हो, आखिर ऐसा क्या है फ्लैशबैक में जो आप ऐसे बदलापुर के वरुण धवन जैसे बन गए हो? घोचू उस तरफ मत देख, यहाँ देख, उस तरफ। मुझ जैसे सड़े हुए करेले को मुलायम चिकनी पनीर भुर्जी जैसी बीवी मिली थी, मेरे हाथों में फूल और बाहर बारिश और मेरी आंखों में उसका इंतजार।
एक्सक्यूज मी मैम, हेलो मैम, आई एम फ्रॉम कार्टून गाइस, आपकी दीदी ने आपको शादी की बधाई दी है, प्लीज टेक इट। थैंक यू। हेलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट नाइट डार्लिंग। डार्लिंग, कौन हो तुम जो मैं हमारी फर्स्ट नाइट पर विश कर रहे हो? और डार्लिंग, हाँ, कितने दिनों से चल रही है? ए जी, कैसी बातें कर रहे हैं? बंद कर अपना, सारी औरतें यही कहती है जब पकड़ी जाती है। सर, एक बार सुन तो लीजिए। अबे, तू क्या मेरा बाप है जो मैं तेरी बात सुनूं? मुझे तभी शक हो गया था जब इसके बाप ने मुझे डबल दहेज दिया था, ये तो सेकंड हैंड है। ऐसा नहीं है। खामोश। बेवफा, खंजर से मारती तो चलता, पर तुमने मेरे दिल पर मारा है, यहाँ शर्म नहीं आई तुझे? क्या बकवास है। सर, आप गलत समझ रहे हैं, आपकी बीवी बहुत अच्छी है। अबे आखिर तू क्यों इसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है? ये पागल, अपने गंदे नाली जैसे मुंह को बंद कर और एक बार कार्ड पे एड्रेस तो पढ़ ले। ये तो गीता फ्रॉम रायपुर है। ओह, तुम्हारी दीदी। सॉरी जानू। कोई बात नहीं, मैं पहले ही माफ कर चुकी हूँ। ओए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, चल काट दिया ना, चल निकल, आउट, गेट आउट यहाँ से। अब बेडरूम में चले। थैंक यू भैया। भैया, आपने क्या कहा? भैया। मैं ऐसे ही जाने वाला था, पर अब आपने भैया कहा है तो मैं कुछ कह के जाऊंगा। मुझे ऐसा जीजा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसा जीजा। भैया। हाँ बहन, हाँ। देखो, एक ग्रीटिंग कार्ड के लिए इसने तुम पर शक किया। कल से केबल वाले से बात करोगी तो शक, दूध वाले से दूध लोगी तो शक, हर बात पर शक। इसलिए मैं बहन समझ के कह रहा हूँ, आप इस शक्की आदमी से कोई भी रिश्ता मत रखिए। भैया, अग्नि को साक्षी मानकर तूने इससे शादी की है, और तू इनकी जैसी सती, सावित्री, गंगा जैसी पवित्र लड़की पर शक करता है, और आज इन्हें बेवफा कह दिया। कल से जालिम कहेगा, धोखेबाज औरत कहेगा, दिल तोड़ने की मशीन, चक्कर चलाने वाली औरत, पता नहीं क्या क्या कहेगा। भैया, पर मैंने तो ऐसा नहीं कहा। एक बार कैंसर का भी इलाज हो जाता है, पर शक का इलाज कभी नहीं होता। नहीं होता दीदी। अब क्या करना चाहिए भैया? ये पागल भेड़िए की तरह क्यों घूर रहा है मुझे? दीदी, बॉल अब आपके पास है, चाहे गोल मारो या उसकी हवा निकालो, जो भी करना है करो। दीदी, मिस्टर कैलाश, अब मुझसे कोर्ट में मिलना। क्या कोर्ट में? भूलो की सेहत से सीधा कोर्ट। आए रे मेरे किस्मत तेरी तो। वो दीदी दीदी कहते कहते मेरी जिंदगी में पीढ़ी सुलगा गया। अबे शक्की कहीं के, तुमने मेरी भाभी पे शक किया? भाई, हमें संतोष और उसकी गर्लफ्रेंड को अलग करना होगा। मिशन स्टार्ट्स। है ना स्टाइलिश? ये उसे दूंगा। तू वैसे ही टाइम वेस्ट करता रहा तो फूल मुरझा जाएगा और पूजा चली जाएगी। हाँ यार। अबे मल्ली, लेट्स गो। ये देख, मैं तुझ पे चंद्रमुखी फेंकूंगा और मैं तुम पे कांचना रिटर्न फेंकूंगी। धक्का क्यों मार रहा है? वाह, क्या टाइमिंग है। ये सही वक्त नहीं है। अंकल, अंकल रुकिए, अंकल स्टॉप इट। आंटी, ये सब क्या है? एनी प्रॉब्लम? जब से पूजा आई है कितनी उदास है। मैंने कहा कहीं घुमा लाओ, पर ये सुनते ही नहीं। ए डायना, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, इट्स इम्पॉसिबल। रिलैक्स, पूजा को मैं घुमा देता हूँ। ओके, एक दो तीन। ओ खटारा, ओए मुझे कुछ भी कह ले, मेरे स्कूटर को कुछ कहा तो मार डालूंगा। मेरी बीवी के जाने के बाद यही मेरी बीवी है। हेलो भाई, बिजी है, बाद में फोन करना। कौन है बे? कोई रॉन्ग नंबर था भाई, हम सुबह से उसे ढूंढ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि वो बैंकॉक भाग गया। हम सिंगापुर चलते ना भाई। हाँ, सिंगदा ना? सिंगापुर भाई। ये तो संतोष जैसा लग रहा है। ओए, वो बैंकॉक नहीं गया है, यहीं पर है, आ जा। भाई, पर स्कूटर ठीक नहीं है। मैं सस्ती अकल, शेर के पंजों में ताकत होती है, हाथी की सूंड में होती है, तो जेटली की ताकत उसके पैरों में है। अटैक।
तलवार लेके भाग रहा है। वरुण जेटली। सुमति। एसआई। एसआई सीआई डीसीपी डीआईजी तुम चाहे जो भी हो। आई हैव टू गो देयर। ज्यादा शरणा बनते हो। यू मोटी सिंघम कैचिंग माय कॉलर। जस्ट गो टू योर जीप। कॉन्स्टेबल अरे सीम। मम्मी। सो मेनी पुलिस। भाग गया। ओके बहना चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अबे चितकोट। कौन? तू ही बे। हा? ये मेरे टोपी पे जो शेर देख रहा है ना, कानून सुरक्षा हिम्मत और न्याय का प्रतीक है। मैं आपकी सारी बात समझ गया बहना। चलो ना कॉम्प्रोमाइज कर ले। मैंने जो कमेंटमेंट कर दी तो सलमान क्या शाहरुख की भी नहीं सुनती हूँ। क्यूट जंगली बिल्ली। मुझे जंगली बिल्ली बोलता है। चल तू चल। अरे प्यारी चली आ। भाई घबराओ मत, आपकी जमानत करवा दूंगा। मूड ठीक ना हो तो लोग मूवी जाते हैं, पर तुम यहाँ क्यों आई पूजा? इसका एक रीजन है। कैसा रीजन? इस चर्च में मैं पहली बार अपने पेरेंट्स के साथ आई थी। लकीली वो दोनों तब साथ थे। और अब? उनका तलाक हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर आई अपने अंकल आंटी के पास। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? ना मम्मी है ना पापा, ना दीदी है ना भैया। आई एम द ओनली वन। आर यू सीरियस? हम्म। पर तुम इतने कैजुअल कैसे हो सकते हो? तो क्या करूं, पेपर में ऐड दे दूं कि मुझे गोद ले लो। पूजा, जब मैं प्रॉब्लम में होता हूँ ना तो मुझे दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, तो इसलिए सबको खुशियां देने के लिए मैंने यही काम चुन लिया। तो तुमको कभी बुरा नहीं लगता? अगर बुरा लगेगा तो मरने का दिल करेगा और फिर एम्बुलेंस आकर मुझे हॉस्पिटल ले जाएगी। I can't afford it, you know? तुम्हें देखकर जलन हो रही है। दिल में प्रॉब्लम्स रखकर चेहरे पर मुस्कान बहुत मुश्किल है संतोष। मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। इट्स नॉट इजी बट आई विल ट्राई। एनीवे, जिंदगी में गम भुलाकर खुश रहना सिखाने वाला मुझे एक दोस्त मिल गया है। फ्रेंड्स नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगी। अच्छे मूड में लग रही है, यही करेक्ट टाइम है। हाय पूजा। हाय। ये कौन सी बुक है? लड़कियों से कैसे प्यार करे, बाय द ग्रेट राइटर मस्तराम। मस्तराम जी ने 1000 कैरेक्टर्स लिखे हैं लड़कियों के बारे में, पता है? ओह। पूजा, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। वो ये कि एक्चुअली इट्स अबाउट माय प्रपोजल। मुझसे आई लव यू मत कहना संतोष। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं प्यार में यकीन नहीं करती संतोष। मैंने तुम्हें बताया था मेरे पेरेंट्स की भी लव मैरिज हुई थी, पर उनका डाइवोर्स हो गया। इवन मेरे अंकल आंटी की भी लव मैरिज, पर 24 घंटे वो लड़ते रहते हैं। प्यार अंडरस्टैंडिंग से शुरू होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग पर खत्म। तुम्हें 10 दिन हुए हैं मुझसे मिले हुए और मुझसे प्यार भी हो गया। मीटिंग से शुरू होने वाला प्यार डेटिंग पर खत्म हो जाता है। आई हैव सीन इट अ लॉट। मेरी नजर में लव इज अट्रैक्शन जो सिर्फ रोमांस चाहता है और कुछ नहीं। हे, मैंने तुमसे आई लव यू कब कहा? तो फिर तुम किसे प्रपोज करने की बात कर रहे थे? वो तो मेरी ड्रीम गर्ल है। ड्रीम गर्ल? हाँ, मुझसे प्यार करने वाली लड़की मेरी जिंदगी में आ गई है, इसलिए एडवांस प्रिपरेशन। इंटरेस्टिंग, इट्स क्वाइट गुड। थैंक यू। हे, एक्चुअली
पूजा, I'm sorry. मुझे पता नहीं था कि तुम प्यार के बारे में. Hey, just chill. We are friends, right? You can share anything with me. अब चले? मुझे लगा था कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी. सुन बे तंदुरी, his love is gone. क्यों बे, प्यार में फेल हुआ तो पागल हो गया क्या? मैं जरूर कामयाब होऊंगा, मुझे पूरा यकीन है. प्रपोज करने से पहले उसने मना कर दिया तो सक्सेस कैसे मिलेगी बता? यार मल्ली, वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है और ट्रू लव फ्रेंडशिप से ही तो शुरू होता है यार. जैसे पानी में बर्फ घुल जाती है वैसे ही फ्रेंडशिप लव में बदल जाती है. तुझे लव में सक्सेस मिलेगी इस पर मुझे थोड़ा डाउट है, ऐसी फीलिंग आ रही है. यार पूजा ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती आई है, इसलिए वो ये प्यार पर यकीन नहीं करती. एक दिन उसे सब समझ में आ जाएगा और उस दिन मैं उसे प्रपोज कर दूंगा. और उस ड्रीम गर्ल का क्या जिसके बारे में तूने उसे बताया है? मल्ली वो ड्रीम गर्ल पूजा ही है यार. नहीं समझा? बेस्ट फ्रेंड पूजा और मेरी ड्रीम गर्ल पूजा दोनों सेम है. उसके लंदन जाने से पहले मैं उसे एहसास दिला दूंगा कि प्यार क्या होता है और उससे कह दूंगा कि वही मेरी ड्रीम गर्ल है. तेरा आइडिया बहुत अच्छा है पर तेरे पास टाइम नहीं है. अगर तेरे प्रपोज करने से पहले चिड़िया उड़ गई तो? जा तू जा, जा, हम यहाँ कबाब खाएंगे. ये क्या है बे? तंदूरी का कंकाल. अबे इतनी जल्दी कैसे खा गया बे? शर्म नहीं आती तुझे? चिकन लुटेरे, पता कैसे खाया? क्यों खाया? तेरे पेट में दर्द होगा. हाँ, आज मैं अपने दिल की बात इस लेटर में लिख रहा हूँ. जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ. जब तुम मुस्कुराती हो ना तो ऐसा लगता है कि कोई जन्नत की परी जमीन पर उतर आई हो. अब बस दिन हो या रात तुम्हारे ख्यालों में ही डूबा रहता हूँ. मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ. ओ गॉड, प्लीज वो हाँ कर दे. ये क्या है, कोई नॉवेल? नॉवेल नहीं, लव लेटर्स. लव लेटर्स है क्या इसमें? इट्स लव बुक, मैंने उसके लिए 50 लेटर्स लिखे हैं. 50 लेटर्स उसके लिए जिसे तुम जानते भी नहीं हो? बताया था ना, एडवांस प्रिपरेशन. तुम प्लीज पढ़ो ना. तुम्हारी ड्रीम गर्ल के लिए लेटर्स हैं, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? कम ऑन पूजा, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड. अगर तुम पढ़ोगी और बताओगी कि सही लिखा है या गलत तो मैं ठीक कर दूंगा. मैं नहीं पढ़ सकती संतोष. ठीक है, मत पढ़ो, मैं ही पढ़ लेता हूँ. प्रिया, ओ प्रिया, कन्याकुमारी में सनराइज के वक्त जब तुम मेरे साथ खड़ी होगी तो तुम्हारे लिए गिटार बजाऊंगा. माय डियर ड्रीम गर्ल, मैं तुम्हारे लिए ताजमहल के सामने गाना गाऊंगा और पहाड़ों में जब बर्फ गिरेगी तो तुम्हारे साथ बैठकर गर्मा गर्म कॉफी पीऊंगा. लेटर्स ठीक है ना? हाँ? संतोष, कन्याकुमारी, ताजमहल, पहाड़, ये सब तो नॉर्मल है. हाँ? अब मैं और भी बहुत कुछ करूंगा. ना, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड.
सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। पर्सनली मुझे ये लेटर्स पसंद नहीं आए, पर शायद तुम्हारी ड्रीम गर्ल को आ जाए, शी विल लाइक इट। पूजा, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मेरी ड्रीम गर्ल को तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? दोनों एक ही है। What? मतलब दोनों लेडीज है ना। ओके बाय बाय बाय। देखा तूने, ऐसे मारने से सर अलग होता है। तौलिया दे। ए, तुम में से सूरी कौन है रे? मैं हूँ। तेरे हाथ का खून साफ कर, शर्ट पहन और चल। कहाँ पर? तुम लोकल गुंडे हो ना? मैं तुमको एक गोल्डन चांस दे रहा हूँ, एक लड़के को दुनिया से उठाने का। वैसे तो मैं ये खुद ही कर लेता, पर मेरे आदमी ने कहा कि तू एक्सपर्ट है, इसलिए तेरे पास आया हूँ। उस लड़के को मार और खुद को प्रूव कर। ऐसा क्या देख रहा है बे? ओह, यू वांट मनी? ला बैग ला। इस थैली में करीब 150 के चिलर होंगे, अपने छोकरों को चाय पिला देना और तू समोसा खा ले। ए, मेरे भाई से तमीज से बात कर। हाँ। ए, तेरी तो डिस्कशन के बीच में बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। पानी में तूफान आए उसे सुनामी कहते हैं, और जब वरुण जेटली का खून खोले तो उसे गुस्सा कहते हैं, समझा? अरे भाई, मैं ये कह रहा था, ये हाथ हटा। कितने दिन से धोई भी नहीं है। सही था राजू। हाँ भाई। मछलियों के साथ साथ आदमियों को भी धोना जरूरी है। हाँ भाई। क्या रे, क्या बोल रहा था तू? वरुण जेटली को जब गुस्सा आता है, मेरा खून तो ठंडा हो गया भाई। अरे हाँ। 4 लाख क्या पड़ी, इसका खोलता खून तो ठंडा हो गया। जरा हाथ तो है ना के। मैं तेरी बकवास करता है भाई। हाँ। अपने हाथ रखिए। हाँ बोल। यहाँ रखिए। काम क्या है ये बता। आपको एक लड़के को मारना है। ये राजू, इससे 25,000 लेकर काम कर दे। भाई अगर फ्री में कर देते तो। फिर से मारा। मेरे बात करने के बीच में डिस्टर्ब किया तो अब गुस्सा क्यों हो जाते हो? हाँ राजू, देख जरा मैटर क्या है। ये तो नारियल के झाड़ की तरह लंबा है। बता किसको मारना है। लड़की भी यहीं पर है। राजू, प्लान चेंज करो। अटैक नहीं, इस लड़के को इसके सामने किडनैप करेंगे। ए ए ए ए रुक। ए ए ए कम बैक। रुको, पीछे हटो। अनपढ़ जाहिल गुंडो, कैसी ट्रेनिंग मिली है तुम्हें? और छोटी चीज के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। कैसी प्लानिंग? ये लोग भाग ना पाए तो दरवाजे बंद कर देते हैं। अबे सस्ते बॉडी बिल्डर, मुझे डिस्टर्ब मत कर। पेमेंट मेरी, प्लानिंग भी मेरी है। चल ठीक है कर। इसको पकड़। ओए टकले इधर आ। ए छीछी, इधर नहीं। पेंदे, ये वाइजैक है, ये स्टील प्लांट है, इधर जगदम्बा सेंटर है, इधर रेलवे स्टेशन है, और इधर एयरपोर्ट है, इधर पुलिस स्टेशन, और इधर शॉपिंग मॉल है। हम यहाँ हैं और ये लोग भी यही हैं। 3 आदमी वहां से जाओ और 4 इधर से आओ, फिर घेर लो इनको, फिर मारते रहना, काटते रहना, मारते रहना, काटते रहना। ये क्या, ब्लू पेन रेड कैसे हो गया? वो रेड नहीं, ब्लड है। पाव और बिरयानी दूंगा। ओके भाई, ये प्लान काम नहीं करेगा। क्यों? वो दोनों तो कब के भाग गए। क्या भाग गए? राजू भाई। अबे एड़े, जब शिकार सामने हो तो प्लान नहीं बनाते हैं, सीधा अटैक करते हैं। अब क्या करें? पीछा करते हैं। पकड़ो इसको। Hey, 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 hey,
शॉपिंग करने आया हूँ दीदी। तो जमीन पे क्यों फिसल रहा है? फिसल का शॉपिंग करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चलो उठ। जरा हाथ दीजिए। फिसल मत। हाँ। अपने पैरों पे चलकर शॉपिंग कर। हाँ, करूंगा। मुझे जानता है ना तू? जानता हूँ, लेडी सिंह का वो। ये कौन है? ये हमारे पीछे क्यों पड़े? इसकी बीवी की जिंदगी बर्बाद होने से मैंने बचाया था, इसलिए ये मुझसे बदला ले रहा है। तो भागने से अच्छा है इनको मारो। सॉरी पूजा, नो दादागिरी, ओनली गांधीगिरी, अहिंसा परमो धर्मः, लेट्स गो। अरे भाई भाई, चुप जाओ चुप जाओ। अब क्या करें भाई? पीछे बैठो, देखते जाओ। हाँ, भाई ने कुछ प्लान बनाया है। भाई, अरे भाई भाई, वो दोनों भाग रहे हैं। अबे सब ठीक है। अरे मेरे ताजमहल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। उस खिलौने के लिए इतना रिस्क क्यों लिया? वो खिलौना नहीं है पूजा, ताज महल है, सिंबल ऑफ लव। प्यार कभी भी टूटना नहीं चाहिए। लेट्स रन। यहाँ चुप जाओ। भाई येलो मास्क। वेरी गुड, कम ऑन। झकास लग रहा है भाई। सॉरी प्लीज, मैं पक्का वापस कर दूंगा। रो क्यों रही? पापा मेरे पास। क्या क्या? पता नहीं। ए ए भाई, कुछ भाई छोड़ दो भाई। पापा वो अंकल नहीं थे। सॉरी बॉस, सॉरी सॉरी सॉरी। ये तेरा आइडिया था ना? इधर आ। तेरी तो चल। क्रिकेट खेलेगा? लेगा तो उसका सर तोड़ दूंगा। ये तो क्लीन गोल्ड हो गया। डॉक्टर। अरे गाड़ी रुक गई। हे क्या हुआ? छे संतोष, टायर पंचर हो गया। तो फिर हाथी की तरह यहाँ फैला गया है, नीचे उतर। हे टायर चेंज करो फास्ट, वरना इस रेलवे ट्रैक पर ही फेंक दूंगा। पूजा स्मॉल ब्रेक प्लीज। या कमिंग। हे संतोष। हाँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक डेयर है। तुम्हें एक मिनट के अंदर वो थर्ड पोल तक जाना है। अगर तुम एक मिनट में ऐसा कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारी ड्रीम गर्ल मिल जाएगी। यस, जाना, छू ले तीसरा पोल। संतोष, लेट्स डू इट। कम ऑन संतोष। पोल उखाड़। पोल के साथ चक ले, रॉक एंड रोल। जा मेरे शेर, चक चक चक। ओ ओ ओ। जा जा मेरे शेर। कमान कमान भैया, ग्रीन सिग्नल भी हो गया है, अब तो तेज भागना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? अबे ग्रीन सिग्नल ट्रेन की हुई है, ट्रेन आ रही है। हट जाओ संतोष, हट जाओ। संतोष प्लीज लिसन टू मी। ऐसा कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारी ड्रीम गर्ल मिल जाएगी। हट जा भाई। संतोष डेयर छोड़ दो। संतोष हट जाओ वहाँ से। संतोष भैया मेरी बात सुनो। नीचे उतर आ भैया। संतोष हट जाओ। संतोष प्लीज भैया। प्लीज संतोष प्लीज। भैया हट जाओ। संतोष हट जाओ। Thank you.
क्या हुआ यार, रो क्यों रहा है, कुछ बता दो। ये दुनिया ये महफिल अब उसके काम के लिए है। अरे चुप हो जाओ, वो देखो। ये मैंने कर लिया। अबे तू ही बता दे। संतोष, are you mad? अगर कुछ हो जाता तो? अब मुझे बताओ, मेरा लव सक्सेस होगा या नहीं? संतोष। होगा या नहीं? होगा। भाई पहले कैसे हीरो जैसे थे, देखो अब जीरो बन गए भाई। भाई क्या हुआ? What happened? आपके बैकबोन में चोट की वजह से आपकी टांग फ्रैक्चर हो गई। मेरी तलवार कहाँ है? वो उधर। ऐसी हालत में चलना फिरना ठीक नहीं होता, समझ गए? I have to go. अभी तुम्हारा इलाज पूरा नहीं हुआ है। I have to go. You are breaking hospital rules. This is not correct. तुम अपनी जिंदगी से खेल रहे हो। Hey doctor. मेरी बीवी चली गई, मेरी सुहाग रात बर्बाद हुई, मेरी टांग चली गई, मेरी लाइफ से सब कुछ चला गया डॉक्टर, सब कुछ। डॉक्टर आई हैव टू गो, प्लीज गो, आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू। बस संतोष तेरा खेल खत्म, आई एम कमिंग। को याद कर रहे हो संतोष, तुमसे एक बात पूछूं? सीरियसली आंसर देना। हाँ, उस दिन रेलवे ट्रैक पर पोल वाले डेयर में तुमने अपनी लाइफ रिस्क में यूं ही नहीं डाली, इसका मतलब तुमने अपने लव यानी ड्रीम गर्ल को देखा है, करेक्ट? करेक्ट। हो, कौन है वो, कहाँ है वो? यहीं पर है। क्या यहीं पर है? संतोष बताओ ना, संतोष कहाँ है वो, बताओ ना। यहाँ मतलब? यहाँ पर कहाँ है? वो तुमने उसे अपने प्यार के बारे में बताया क्या? नहीं पूजा, एक तरफा इश्क है, और मेरा ये मानना है कि हमें किसी को प्यार के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, उन्हें हमसे प्यार खुद ब खुद होना चाहिए। नाइस। अपनी ड्रीम गर्ल मुझे नहीं दिखाओगे? अरे पूजा, रुको भाई, वो जो कह रहे हैं मैं उसकी डबिंग करता हूँ ताकि हम प्लान बना सके। अच्छा है? ये टैलेंट भी है तेरे पास? हाँ भाई, तो शुरू हो जा। एक बात बताओ संतोष, तुमने उस जेटली से दुश्मनी क्यों मोल ली? तुम्हें एक राज की बात बताओ पूजा, वो जेटली एक नंबर का ढक्कन है। मुझे तो उस जेटली से ज्यादा उसके साथ वाले बिहारी से डर लगता है। बिहारी? वो तो बाहुबली से बलवान है। हाँ संतोष। हाँ, और उसकी बॉडी भी अच्छी है और वो हीरो जैसा दिखता है। You are right, संतोष, मैं भी यही कहती। लगता है भाई को डबिंग पसंद आ गई। तो अब तो ये संतोष गया काम से। आक्रमण, चिल्ला दो भाई, अटैक कर दो। नो चिल्लाना, ओनली मारना। ए संतोष। हाँ? ये फिर से आ गए संतोष, इनसे उलझना बेकार है, भागो यहाँ से। कहाँ चले गए? अभी लंगड़ा क्या करेगा? ये बता तू किसकी साइड? आपकी साइड भाई। अच्छा? हाँ। भाई तेरी। ये इन लोगों को भी लेके आ गया। पूछा, भागो ऐसे। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते, धंधा कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। सर दर्द कर रहा है, मैं नारियल पानी पी के आता हूँ। अच्छा, तो हफ्ता कब देगा बे? दे दूंगा सर, एक दो दिन में। हाँ ठीक है भाई।
वो बच के जाने ना पाए। अरे बिहारी। हाँ भाई। ये राजू गैंग यहाँ क्या करने आई है? पिछली बार की अधूरी पिटाई पूरी करने आई है क्या? भाई एक मौका दो, इस बार सही डबिंग करके बताऊंगा। अच्छा शुरू कर। ध्यान से सुनो, उस संतोष को जान से मारना है हाँ, और उस संतोष को मारने के बाद जेटली को भी मार देना, पर उस जेटली के असिस्टेंट बिहारी से बच के रहना, क्योंकि वो सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, हीमैन है। तो मैं कौन हूँ? हिटमैन। ये ले। काम हो गया, ये लो। चल। ओह गॉड। नमस्ते। नमस्ते। अरे अरे क्या हुआ तुम्हें? किसने मारा? निकल ले। अरे बता ना। अरे कोई पानी लाओ। अबे नॉर्मल पानी बोला था, नारियल पानी नहीं। ए, तुम लोग उधर जाओ। और छोड़ूंगा नहीं उसको। अब यहाँ छुपते हैं। ओह नो, ये लोग यहाँ पर भी आ गए। इस तरफ जेटली है। छोड़ूंगा नहीं उसे। अब तुम फंस गए हो, अब बच के नहीं जा सकते हो। चलो मुझे ड्रीम गर्ल दिखाओ। पूजा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमने कहा था वो यही है, अब चलो मुझे दिखाओ। ये लड़की नहीं मानने वाली, तो बताना ही पड़ेगा। उनमें से कौन सी है? कितनी बेवकूफ लड़की है। कौन है संतोष? ये सही वक्त नहीं है, लड़की बदल दे। हाँ वो वाइट सूट और नीले दुपट्टे वाली। चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है संतोष। अरे तभी तो दिखाई है। बताओ ना। हे पूजा, वो लोग चले गए। चलो फास्ट कम। संतोष मैंने उसे देखा भी नहीं। रुको। ए पूजा, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना जेटली हमें पकड़ लेगा। हाँ। अंकल बॉल प्लीज। वन सेकेंड। रुको भाई, आपकी टांग अभी कमजोर है। शेर की ताकत पंजे, हाथी की ताकत सूंड और इस जेटली की ताकत टांगों में है। तो किक मारो। हट जाओ भाई। बच गए भाई, बॉल नहीं लगी, हम बच गए। बॉल नहीं, पत्थर लग गए। हॉस्पिटल ले चल मुझे, डॉक्टर को बुला। डॉक्टर रुको ना संतोष। प्लीज रुको संतोष, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। क्या काम है? शॉपिंग। मैं भी चलता हूँ ना। लेडीज पर्सनल शॉपिंग। तुम जाओ, बॉयज नॉट अलाउड। तुम जाओ। ओके। टैक्सी। कहाँ होगी? Hi, I'm Priya.
मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या? मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, शायद तुमको पता नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। What? तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं, तुम ही हो, कन्फर्म। उसकी ड्रीम गर्ल तुम ही हो, वाइट सूट। He is very sincere. तुम्हें एक बार उससे मिलना चाहिए। अब चलें प्रिया। चलो। हाँ। दर्शन हो गए? हाँ। हाँ भाई। राजू, गाड़ी मेन गेट पर ले गया। संतोष, तुम्हारी ये बेस्ट फ्रेंड तुम्हें लव में सक्सेस दिलाएगी। मैं मिलवाऊंगी तुम्हें प्रिया से। क्या हुआ बियारी? डॉक्टर से पूछो। What happened डॉक्टर? बची खुची बोन्स भी टूट गई हैं। दोनों टांगे गई। हाँ। नो। तुम्हारा टॉप फ्लोर अभी तक ठीक है, ग्राउंड फ्लोर टोटली गया। डॉक्टर, मेरी शादी तो हो गई पर सुहागरात नहीं मनाई। मेरा ये वाला हिस्सा काम करना चाहिए, बाकी कोई मूवमेंट नहीं होगा, चलेगा मुझे? नो, इट्स इम्पॉसिबल। अब तुम्हारी टांगे कोई ठीक नहीं कर सकता। हाय जीता जी, इस ड्रेस में बहुत मस्त लग रहे हो। लेकिन जीता जी, हमें इसे लड़ना नहीं चाहिए। मैं दीदी से बात करूंगा, बस चलिए यहाँ से चलिए, हम लोग आराम से बैठ के कॉफी शॉप में बात करते हैं। मैं आप दोनों को मिलाऊंगा, आई प्रॉमिस। हाँ, तुम, मैं और तुम्हारी दीदी, हम सब एक साथ एक ही घर में रहेंगे। तेरी शादी भी मैं ही करवाऊंगा। तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई, मेरी दोनों टांगे चली गई, मेरी सुहागरात नहीं हुई। छोड़िए, अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो, ये मेरा पेशेंट है। अरे जाने दो, जाने दो भाई को। लेटा ए, तुम इधर 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 ले लो, इधर ले लो। छोड़ूंगा। हां, नहीं छोड़ूंगा बाबा, रे बाबा, छोड़ूंगा। हैं, आश्चर्य है, ये तो कमाल हो गया। जब तक वो यहाँ था तुम ठीक थे, उसके जाते तुम फिर ठंडे पड़ गए। डॉक्टर, कुछ तो करिए आप। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, अब वो लड़का ही आएगा और ठीक करेगा। डॉक्टर, I have to go. सिस्टर, It's ridiculous. उसने एक बच्चे की तरह मुझे एक खिलौना समझकर पसंद कर लिया और तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं उससे प्यार कर लूं? तुम पागल हो क्या? प्रिया, संतोष तुमसे बहुत प्यार करता है। मेरे भैया भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर ये भैया को पता चला तो न वो प्यार करने लायक रहेगा और न तुम बात करने लायक। प्लीज ये सब मत करो और उसे कहो कि ये ट्रिक्स मुझ पर ना आजमाए। बाय। वन सेकेंड प्रिया, बता दूं मुझे यहाँ संतोष ने नहीं भेजा है। यू आर रॉन्ग। संतोष को नहीं पता है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। प्यार के नाम पर वो तुमको परेशान नहीं करना चाहता। आमतौर पर लड़के प्यार करने के लिए पीछा करते हैं, डराते हैं, छेड़ते हैं ताकि लड़की उनको प्यार करे, पर संतोष तुम्हें परेशान किए बिना सिर्फ तुम्हें देखता रहता है। और अभी भी मैं यहाँ तुम्हें कन्विंस करने नहीं आई, उसकी फ्रेंड हूँ तो बस उसका प्यार कन्वे करने आई हूँ। तुम उससे प्यार करो ये जरूरी नहीं है, ये तुम्हारा हक बनता है प्रिया। पर वो तुमसे कितना प्यार करता है ये बात सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये सारे लव लेटर्स संतोष ने लिखे हैं, इन्हें पढ़कर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम पास करने के लिए पढ़ो। लास्ट लेटर में मेरा फोन नंबर और एड्रेस है, पसंद आए तो कॉल करना, वरना ये लेटर्स मुझे कुरियर कर देना।
हेलो। हाय पूजा, प्रिया बोल रही हूँ। हे प्रिया, तुमने लेटर्स पढ़े? हाँ मैंने पढ़े, एक बार नजर जरूर डाली। ग्रेट, थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच। हे इतनी खुश मत हो, मैं बस संतोष से एक बार मिलना चाहती हूँ। मतलब? ताकि उसे अवॉइड कर सकूँ। अवॉइड? हम कहाँ मिल सकते बताओ। ओके, ओशन रेस्टोरेंट शाम 5 बजे। ओके डन, लेकिन एक कंडीशन पर, मैं सिर्फ उसे एक बार देखूंगी, उसको पता ना चले कि मैं वहाँ हूँ। पर क्यों? उसने मुझे बिना परेशान किए मुझे देखा है, मैं भी वैसे ही बस उसे देखना चाहती हूँ। गुड आइडिया, गुड लक, बाय। नाउ द गेम बिगिंस। हे पूजा का फोन है। संतोष स्पीकर पर डालना। हाय पूजा। हाय संतोष, तुम अभी फ्री हो या बिजी हो? मैं तो एकदम फ्री हूँ। अबे बोल, तो बिजी है? हाँ? एक्चुअली एक काम में फंसा हुआ हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। ओह ऐसा क्या? मैंने सोचा तुम फ्री हो तो शाम को घूमने चलेंगे। इट्स ओके, तुम अपना काम करो। हेलो, हे पूजा, हेलो हेलो। मल्ली तेरी तो हाँ संतोष। हे पूजा, एक्चुअली जो काम था ना वो मल्ली संभाल लेगा, और अभी भी वो ही काम करने में लगा है, तो मैं शाम में फ्री हूँ। ओके, तो शाम को ओशन रेस्टोरेंट पे 5 बजे आ जाना, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। ओके ओके, शाबाश संतोष। हे मल्ली, सॉरी यार, तेरा खून निकल आया। ये खून मेरा नहीं है। फिर? सर फूल लो ना। फूल लेना है? हा? नहीं चाहिए। लो ना। समझ गया, तुम खुद फूल हो, फूल लेके क्या करोगी? हा? मैडम फूल ले लो ना। मैडम सॉरी, नहीं चाहिए। प्लीज मैडम लो ना। हे क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? फूल कोई भी नहीं ले रहा। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे सारे फूल मैं ले लेता हूँ। ये लो आपके पैसे। तुम्हें इनमें से कौन सा फूल पसंद है? ये येलो। हाँ। ग्रेट चॉइस। अरे वाह ब्यूटीफुल, तुम अपने बालों में फूल क्यों नहीं लगाती हो? एक फूल से मुझे 3 रुपए मिलते हैं, इसलिए नहीं लगाती। पर आज तो तुमने लगाया है। हाउ क्यूट। पूजा तुम कहाँ हो? मैं तो रेस्टोरेंट में हूँ, तुम कहाँ हो? मैं भी वही हूँ, रेस्टोरेंट में बिल्कुल तुम्हारे सामने नकाब में बैठी हूँ। दिख गई। वो कहाँ है? वो भी रेस्टोरेंट में है। यहाँ? हाँ यहाँ। कौन? मैं जिसके सामने बैठूंगी वही है संतोष। ओके। पर मत देखना, कंट्रोल संतोष। सॉरी संतोष, मैं लेट हो गई। हे पूजा, कोई बात नहीं, तुमने कहा था तुम्हें कुछ कहना है तो बताओ। एक्चुअली सपोज हाँ, इस रेस्टोरेंट में तुम्हारी लवर हो तो? सपोज क्या करना, वो यही है। यहाँ? मेरे दिल में। मजाक मत करो। ओके ओके, अगर तुम्हारी लवर तुम्हारे बगल में बैठे और पूछे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो तो क्या कहोगे?
क्या हुआ प्रिया, तुमने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। सॉरी प्रिया, अब मैं समझ गई, तुम्हें संतोष के लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ पूजा कि संतोष मुझे पसंद नहीं है। मतलब? हाँ पूजा, जब तुमने लेटर्स दिए तब भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ, बस पढ़ लिए। फिर दिल किया एक बार संतोष को देख लूं, तो देख भी लिया। सोचा उसे पसंद ना करूं, पर उसे पसंद करने लगी। मुझे वो अच्छा लगता है। उसने मुझसे बात नहीं की है, ना वो मुझे जानता है, फिर भी मुझसे इतना प्यार करता है। अगर वो मेरी लाइफ में आ गया तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी पूजा। मेरे भैया मुझसे हमेशा कहते हैं, तुम जिससे भी शादी करो वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करे। संतोष को जानने के बाद मुझे लगा यही वो इंसान है। उसने सिर्फ 4 मिनट में मुझे समझा दिया कि मैं उसके लिए कितनी खास हूँ। मैं भी संतोष से कल अपने प्यार का इजहार करूंगी। ओह माय गॉड, आई कैन बिलीव दिस। थैंक यू सो मच प्रिया। ये बात संतोष को बतानी चाहिए। प्रिया, कल मैं तुम दोनों को मिलवाऊंगी। अब तक वो तुमसे छुप छुप के प्यार करता रहा, पर अब तुम उसके सामने जाकर कहना, आई लव यू संतोष। संतोष यू लकी बॉय, वेयर आर यू? यार 2 दिन से पूजा फोन ही नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या बात है। अरे नेटवर्क नहीं होगा। नहीं यार, फोन तो रिंग हो रहा है। तो लड़की खो गई होगी। संतोष, अबे जब भी तुझे मार रहा हूँ पूजा की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? मुझे मार रहा है तो पूजा की आवाज सुनाई दे रही है, इसे बार पूजा दिखाई भी देगी। सच्ची? तो फिर ये ले। चल अब पीछे मुड़ जा। हाय हाय पूजा, तुम कहाँ चली गई थी? एक छोटी सी प्रॉब्लम है संतोष। प्रॉब्लम है? आओ बैठो। क्या प्रॉब्लम है? मेरा एक फ्रेंड है, कितने दिनों से वो बेचारा एक लड़की से वन साइड लव कर रहा है। मेरे जैसा ही होगा। फाइनली उस लड़की को उसका लव समझ आ गया है। वो लड़की समझ गई, पर तुम कब समझोगी? व्हाट? कुछ नहीं, यू कंटिन्यू। पर इस वक्त मेरा फ्रेंड शहर में नहीं है, तो क्या तुम? हाँ, मैं? तुम्हें उस लड़की को मेरे फ्रेंड की तरफ से प्रपोज करना होगा। नो नो पूजा, मैं उस लड़की की तरफ से कैसे उसे कुछ कह सकता हूँ? मेरा दिल गिल्टी फील करेगा। तू बोल ना मल्ली। तू ही बोल देना। नहीं बोलेगा तो नाक तोड़ दूंगा तेरी। मुझे अपनी नाक भी तोड़वानी है। हाँ मैडम, गारंटी है, नहीं करेगा। ओके, तो तुम लोग फ्रेंड्स की तरह काम नहीं करोगे। सो नाउ आई एम योर कस्टमर। ठीक है मैडम, नाम बताइए। पूजा डिसूजा। एड्रेस? दिस इज माय एड्रेस। वेट वेट पूजा, ठीक है तुम्हारे लिए मैं ये कर लूंगा। संतोष, ये मेरी इज्जत का सवाल है। उस लड़की को ऐसा लगना चाहिए जैसे उसका लवर उसके सामने है। मैं उसको अपना लवर समझ के अपनी फीलिंग्स बोल दूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम, मुझे तो यही चाहिए था। सो क्यूट, बाय बाय। देखा तूने मल्ली, ये लड़की प्यार से नफरत करती थी, पर अब मेरी वजह से लवर्स की हेल्प कर रही है। मुझे कुछ तो झोल दिख रहा है। कहाँ? बस वही नहीं समझ आ रहा। और अब साफ साफ दिखाई दे दिया। प्रिया, One second. I love you, and this is the beautiful bouquet from your boy. I love you too, Santosh. I love you.
तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया संतोष? जिस लड़की के पीछे तुम इतने दिन से पड़े थे उसने खुद तुम्हें आई लव यू कहा है। उस दिन तुमने मुझे वो व्हाइट सूट में लड़की दिखाई थी ना, वो लड़की प्रिया ही थी। मैं उससे तुरंत मिलने गई। तुम उससे कितना ज्यादा प्यार करते हो ये बताने के लिए मैंने तुम्हारे लव लेटर्स प्रिया को दिए। और तो और उस दिन ओशियन रेस्टोरेंट में भी प्रिया ही थी, तभी तो मैंने तुमको उसके सामने अपना प्यार इजहार करने के लिए कहा। लव को लेकर मेरा पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हारी हेल्प क्यों की तुम्हें पता है? बिकॉज यू आर माय बेस्ट फ्रेंड संतोष। तुम्हारी लाइफ में उम्र भर के लिए खुशियां तभी आएंगी जब प्रिया तुम्हारी जिंदगी में आएगी। मैंने तुम्हें वो सरप्राइज गिफ्ट दिया है जो तुमने कभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तुम्हारी ड्रीम गर्ल प्रिया। देखा प्रिया, तुम्हारे आई लव यू कहने के बाद भी संतोष कितनी शांति से खड़ा है। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट संतोष। अगर तुम ना होती तो हम दोनों कभी नहीं मिल पाते। थैंक यू पूजा, लव यू संतोष। हे, ये टाइम पार्टी का है, तुम शर्मा रही हो। हे प्रिया। डोंट वरी माय डियर कार्टून गाइस, इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है। तेरे तो बज गए पूरे 12 बज गए, तेरे तो बज गए पूरे 12 बज गए, वन मोर टाइम, तेरे तो बज गए पूरे 12। मेरे भी बज गए पूरे 12 बज गए। ए संतोष, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे मेरा। ओए तू मंदिर का एरिया रख। हाँ, मैं एयरपोर्ट समंदर बीच रखता हूँ, ये सब मेरे, ठीक है? और मैं क्या रखूँ? तू पहाड़ी एरिया रखना, वहाँ क्या करूँगा? वहाँ तपस्या करेगा तो मोक्ष मिलेगा तुझे। ए, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, सूरी की बहन तुमसे प्यार करती है, तुम उससे शादी भी करोगे, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, तो हम आपस में वाइजैक सिटी बांट रहे हैं। ओए मैं पूजा से प्यार करता हूँ यार। पर वो तो तुझसे नहीं करती है। मैं सब सच बता दूंगा। किसे? पूजा को? नहीं, प्रिया को। प्रिया को? पूजा से प्यार करने की बस मेरी एक ही उम्मीद है और वो है मेरी उससे दोस्ती। पर अगर पूजा को ये पता चल गया तो हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। तो प्रिया को बताना ठीक है क्या? नहीं जानता, पर अगर प्रिया को बता दूंगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अगर सच छुपाया तो कोई भी जी नहीं पाएगा। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। जब प्रिया तुझसे प्यार करती है तो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले। प्रिया मुझसे प्यार करती है पर मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं पूजा से प्यार करता हूँ यार, वो मेरी जिंदगी है। इस वक्त हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस नहीं करना है। मैं पूजा को नहीं छोड़ सकता यार। प्यार पाने के लिए मैंने झूठ बोले होंगे पर मेरा प्यार झूठा नहीं है। कल मैं प्रिया से मिलकर उसे सब कुछ बता दूंगा। ठीक है बता दे, पर तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तू सूरी भाई के घर में जाके उसी की बहन को ना बोलेगा। तू भी मेरे साथ चलेगा। अब ठीक है, सूरी हो या भेलपुरी सबको देख लूंगा। थैंक्स मल्ली, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। मुझे थैंक्स मत बोल, सूरी की गाड़ी आनी है। पर अगर वो बीच में आ गया तो मैं भाग जाऊंगा। ठीक है, चुप कर और अंदर चल। यार संतोष, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। आइए संतोष बाबू आइए, प्रिया मैडम ऊपर हैं, आती होगी, तब तक आप बैठ जाइए। लेकिन सूरी भाई कहाँ है? किसी ने प्रिया मैडम को कॉल किया था, उसका हाथ काटने गए। भाई किसी ने कॉल किया तो हाथ काटने चला गया? हम तो अपनी पूरी बॉडी लेके आए, पता नहीं क्या क्या काटेगा। ए, चला बैठ। क्या कर रहे हैं बाबू? आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? दीदी जो भी देना है, सूरी भाई के आने से पहले देना। संतोष, रुको रुको संतोष। फातिमा, तुमने संतोष को कॉफी क्यों दी? संतोष को कॉफी पसंद नहीं, संतोष को ब्लैक टी बहुत पसंद है। गिव मी अ मिनट। तुमने अपने फिफ्थ लेटर में ब्लैक टी के बारे में लिखा था ना संतोष, इसलिए ये मैंने खुद बनाई है। मैं भी सीख रही हूँ। प्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, ऊपर चलकर बात करते हैं। कम
क्या देख रहे हो? तुम भूल गए टेंथ लेटर में क्या लिखा था? हाँ लगता है तुम सब कुछ भूल गए हो। ब्लू कलर तुम्हारा फेवरेट है ना? एक्चुअली मुझे ब्लू कलर पसंद नहीं है, पर कोई तो रीजन होगा जो तुम्हें ब्लू बहुत पसंद है। फिर मैंने बहुत रिसर्च की। स्काई इज ब्लू, सी इज ब्लू, नेचर का सबसे डोमिनेंट कलर भी ब्लू है। ब्लू इज कूल, सो माय फेवरेट कलर इज आल्सो ब्लू। प्रिया मेरी बात तो हे संतोष, आओ तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मम्मी, इस पंखे की तरह मेरा सर भी घूम रहा है, क्या करूं? इस हैवान से कैसे बचूं? लगता है मेरे जिंदगी का आखिरी दिन है। ए संतोष, मैं निकला, ठीक है तू भी चल। सॉरी संतोष, तुम कुछ कहना चाहते थे और मैंने तुम्हें कुछ कहने ही नहीं दिया। बोलो क्या बात है? तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और प्रिया बहन के साथ क्या कर रहा है तू? मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं तेरी? प्लीज संतोष को छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं सुना, चल अंदर। संतोष ए चल भैया, आप मेरी बात तो सुनिए। संतोष ए छोड़ो, अरे मेरी बात तो सुनिए। अपने दोस्त की मदद करेगा? हाँ बहुत हिम्मत है ना तेरे में, अब दिखा हिम्मत। संतोष संतोष भैया रुक जाओ, उसे मत मारो भैया, रुक जाओ। कोई मेरी बात सुनेगा या नहीं? मेरी बात सुनोगे या नहीं? प्रिया मैडम आइए, बाहर आइए। जा निकल। क्या रे, तू मेरे ही घर में आकर मेरे ही आदमियों को मारता है? सुपर, मान गया तुझे। इस शहर में सब सूरी के नाम से ही डर जाते हैं, पर लाइफ में पहली बार किसी ने मेरे सामने ही मेरे आदमियों को बहुत तबियत से धोया है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरी बहन मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपाती। जब इसे तुमसे प्यार हुआ ना, सबसे पहले मुझे आकर बताया। जानते हो, मुझे खुद से ज्यादा अपनी बहन की पसंद पर भरोसा है। कमाल की पसंद है इसकी। क्या तुम जानते हो, इंसान को हीरा मिलना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस हीरे को संभाल कर रखना इम्पोर्टेंट है। मैंने उसी हीरे का टेस्ट लिया। छा गए तुम बापू। मैं जानता था तुम इस टेस्ट में जरूर पास होगे। क्यों शर्मा गई? चलो अंदर आ जाओ। अच्छा प्रिया, आज संतोष यहीं लंच करेगा, जाओ बनाओ। ठीक है भैया। प्रिया 48वां लेटर याद है ना? संतोष शाकाहारी है। मुझे याद है भैया। हाँ बैठो। जानते हो वो लेटर आपने भी पढ़ लिया? मैंने प्रेम पत्र फिल्म 10 बार देखी है, पर मैंने तुम्हारे लेटर्स कम से कम 40 बार पढ़े हैं। बहुत अच्छे लिखे हैं। और हाँ,
उस 24वें लेटर का फील सर, फील बहुत बढ़िया था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे बात बाद में करेंगे। फील फील प्लीज सर प्लीज। एक्चुअली मैं पूजा से प्यार करता हूँ, आपकी बहन से नहीं। पर एक गलत फहमी की वजह से सब गड़बड़ हो गई। प्रिया, पूजा और मैं, हम तीनों भंवर में फंस गए। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तुम मेरी बहन से प्यार नहीं करते हो और उस पूजा को तुम्हारे प्यार का पता ही नहीं है। तुम करना क्या चाहते हो? मैं प्रिया को सच बता दूंगा। प्रिया को सच नहीं पता चलना चाहिए। मगर क्यों नहीं सर? क्योंकि मैं जानता हूं मेरी बहन तुमसे कितना प्यार करती है, और उसे सच पता चला तो वो मर जाएगी। पर मैं उससे प्यार नहीं करता हूं। पर तुम करो, प्रिया से तुम प्यार करो। नहीं कर सकता। प्रिया से तुम्हें प्यार करना होगा। मैं नहीं कर सकता। तुम्हें प्यार करना होगा। अरे अब क्यों मुझसे बार बार करना होगा कह रहे हैं? क्योंकि मेरी बहन एक साल में मरने वाली है, इसलिए। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ संतोष, प्रिया को हार्ट प्रॉब्लम है। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसे यह नहीं पता है। तुम भले उससे सच कह दो, पर वो ये सच सुन नहीं पाएगी, नहीं सुन पाएगी। तुमसे एक भाई होने के नाते कह रहा हूं, तुम भले उससे प्यार ना करो पर प्यार का नाटक तो कर सकते हो। प्लीज हाँ कर दो, उसके चेहरे पर मुस्कान बने रहने दो। तुम्हारा काम भी तो लोगों को खुश रखना है, वही समझ के कर दो प्लीज। हे सुनो, जितना कहोगे उतना पैसा दूंगा। नो, पैसे नहीं चाहिए। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ये क्या भाई, ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? प्रिया बहन को कुछ नहीं होना चाहिए, आप चाहे तो मेरा दिल ले लो। तू भी और वो भी। तूने भी यकीन कर लिया। मेरी बहन को बुखार तक नहीं होने देता। तो ये हार्ट प्रॉब्लम क्या चीज है? तो उससे क्यों कहा कि वो मरने वाली है? ये सब मैंने अपनी बहन प्रिया के लिए किया है। अब इसके बाद संतोष प्रिया को कभी नहीं छोड़ेगा। पर इतना सब ड्रामा क्यों? सीधा धमकाते भाई। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वैसे ये बता, तू क्या कर लेता? क्या करता तू? हाँ? भाई क्या वो वापस आएगा? वो वापस जरूर आएगा, क्योंकि हम लोग लोगों को मार कर जीते हैं, लेकिन वो लोगों को हमेशा खुश रखने के लिए जीता है। ऐसा ही है वो। ये जानने के बाद क्या वो संतोष प्रिया बहन से प्यार करेगा? जरूर करेगा। मेरी बहन का प्यार उसको बदल कर रख देगा, ये मैं जानता हूं। सही वक्त आने पर हम एक एक्टर को डॉक्टर बनवाकर कहलवाएंगे कि ये चमत्कार हो गया। अरे आपका प्यार ठीक है, सब नॉर्मल है, और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। कैसी रही? तो क्या डिसाइड किया तूने? मैंने डिसाइड किया है कि मैं प्रिया का लवर बनूंगा। सच में? हाँ यार, अगर मैंने ये नहीं किया तो हम अपने काम से बेमानी कर रहे हैं। कुछ दिन में पूजा जाने वाली है और कुछ दिन में प्रिया मर जाएगी। मेरी वजह से एक लड़की दर्द से मर जाए, ये सोच के मैं गिल्टी फील करूंगा और जिंदगी भर खुश नहीं रह पाऊंगा। ये गलत होगा मल्ली। Thank you.
फिर जानते हो अब... एक सेकंड। कोई बात नहीं, कैरी ऑन। हाय पूजा। कहाँ हो संतोष? वो मैं प्रिया के साथ बीच पर। ओहो, नाइस, एंजॉय। हे, संतोष, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो देखो। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं इससे नहीं पूजा से प्यार करता हूं। हे भगवान, मेरी मदद करो। संतोष, टिकट कंफर्म हो गई। नेक्स्ट वीक मैं लंदन उड़ जाऊंगी। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम जिस स्टाइल में मुझे रेलवे स्टेशन लेने आए थे उसी स्टाइल में तुम प्रिया के साथ मुझे छोड़ने भी आओगे। ओके, कंफर्म। अब चले। आजा आजा जेटली। भाई। अरे कहाँ जा रहे तू? भाई के पैर छूने। तुझे सैलरी कौन देता है? चल पीछे। सूरी, ये ले खाली चेकबुक, जो चाहे अमाउंट लिख ले तू उसमें। मुझे तुझसे एक डील करनी है, संतोष और उसकी गर्लफ्रेंड को। मतलब? उनको अलग करना है। संतोष वो कार्टून वाला लड़का। एग्जैक्टली, डर्टी फेलो। हे, तुम नहीं, वो। ओ सॉरी, संतोष मरना चाहिए और उसकी गर्लफ्रेंड विधवा हो जाए, उसके भाई चिल्ला चिल्ला के रोए, पूरी फैमिली सदमे में मर जाए। हे, साफ साफ बता। हे, इट्स माय पर्सनल मैटर। यू सुपारी किलर डॉन, पैसे ले और मेरा काम कर। आहा, हाँ। तेरे पास उसकी कोई फोटो है क्या? हाँ है ना। मेरे पास भी है। ऐसे ही रखो, मैं ठीक हो रहा हूँ। वैसे इसका फोटो तुम्हारे फोन में क्यों है? क्योंकि संतोष मेरी बहन से प्यार करता है और वो मेरा होने वाला जीजा है। मेरी बहन और इसकी शादी होने वाली है। भाई भाई बैठ जाओ। भाई, लगता है शौक से टांगे चली गई। ए, चेकबुक ले जा। मुझे टू व्हीलर से ले चल बिहारी, रुक जरा। ए सूरी, अपने लिए नया जीजा खोज ले, मैं उस संतोष को छोड़ूंगा ना। ए, गेट बंद कर दो। अपनी इस लाइफ में ये टांगों पर खड़ा नहीं होना चाहिए। राजू, चलो चलो, हाथ साफ करो। मार दिया रे। हाय कार्टून गाइस। हाय। वाओ। हाय। हे, लुकिंग गुड। थैंक यू गाइस। लिसन, मैंने कल बहुत ग्रैंड पार्टी रखी है, तुम सबको आना है। बिल्कुल आएंगे। संतोष, तुमको और प्रिया को भी आना है। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा। संतोष, तुम नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? तुम्हारी लव सक्सेस की ही तो पार्टी अरेंज की है, इसलिए तुम्हें तो हर हाल में प्रिया के साथ आना होगा। मैं नहीं आ पाऊंगा यार। ठीक है, तुम्हारी पार्टी ना सही, पर मेरे लंदन जाने की पार्टी समझ के आ जाना। देखो पूजा, कोई भी रीजन क्यों ना हो, मैं नहीं आ पाऊंगा, कल बहुत काम है। पर हम सब तो वेले हैं। मेरा मतलब कल नहीं, कल बहुत काम है। संतोष, तुम आओगे? नहीं आ पाऊंगा। तुम आओगे? नहीं। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कैसे आओगे। किसी ने सही कहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये बात मुझे अच्छी लगी। तुम्हें भी सूर्य ने चोट पहुंचाई है और मुझे भी। हम दोनों किसी घायल शेर से कम नहीं है और इस वक्त से हम दोनों दोस्त हैं। नाइस टू मीट यू। हेलो। हाय। धोने वाला हाथ नहीं। तुम्हारा टारगेट सूर्य है और मेरा टारगेट संतोष। संतोष कौन? पूजा का लवर। पूजा कौन? सूर्य के बहन। क्या कहा?
पर सूरी की बहन का नाम तो प्रिया है। तभी सूरी ने तेरा हाथ तोड़ा ना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा और येड़ा मांगे पेड़ा। इसका क्या मतलब? अपने भाई को थोड़ी अक्ल दे। चल प्लान सुन मेरा। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सभी एक ही पार्टी में आने वाले हैं। नरसिंह, तुम्हारा शिकार सूरी है और मेरा शिकार है संतोष। और मेरा? बेटा पहले तो तू अपना हाथ ही संभाल ले। लूला खच्चर है तू। एक तीर से तीन शिकार करूंगा मैं। आप शिकार करना जानते हो भाई? पहले इसको ही टपका डालते हैं। संतोष, तुम तो पार्टी में नहीं आने वाले थे, पर देखो आ गए ना। तुम्हारे साथ खड़ा हूँ इसलिए मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही है। मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था इस पार्टी में। मुझे भी सेम फीलिंग हो रही है। ज्यादा बकबक मत कर, नहीं तो स्प्लेट से तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मैं भी तोड़ दूंगी। हाँ चुप हो जाओ। पीछे ले। जरा उसे देखो तो कितना फनी है ना। ए संतोष, नरसिंह, उस संतोष और सूरी के बहन को लेकर आओ। ए, जाओ और उस सूरी के बहन को उठा के ले आओ। संतोष, प्रिया, मैंने सूरी की बहन को लाने के लिए कहा था और तू किसी और को क्यों ला रहा है पागल? अरे ओ सूखा मछली, वो लड़की कोई और नहीं, सूरी की बहन प्रिया है। प्रिया, तूने मुझे धक्का मारा, तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। एक मिनट का ब्रेक ले जरा, ये सबको मार रहा है। ये ले तू पकड़, लेके जा। संतोष, यहाँ से खिसकने में ही भलाई है, चल। ओ माय, उधर खिसक गया बे। संतोष, संतोष, संतोष रुक जाओ प्लीज, लड़ो मत। संतोष प्लीज, क्या कर रहे हो तुम ये? प्लीज रुक जाओ, मेरी खातिर लड़ो मत तुम, मुझे ये सब नहीं पसंद। प्लीज, तूने प्रिया को चोट पहुंचाई। ए संतोष, आपका ये प्लान भी फेल हो गया भाई। अरे इधर किसका फोन है? हेलो, ए रख फोन भाई, टेंशन में रख फोन। अबे कौन था? कोई रॉन्ग नंबर था ऐसे ही है? संतोष सुनो तो, ये खून नहीं सॉस है। ये देखो। अबे बिहारी जल्दी चल, वरना अपना सॉस नहीं खून निकलेगा, चल जल्दी। हेलो एक्सक्यूज मी, हमारी संस्था आप जैसे मानसिक रोगियों को हॉस्पिटल ले जाती है और इलाज कराती है, आप चलेंगे? मैं पागल नहीं हूँ। मैं तुम हम शादी वरमाला बैंड बाजा सुहागरात जो नहीं हुई आगले लग जा। ए, 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 चलो अंदर चलो। मैं क्यों जी आप? हाँ। हो ये क्या हाल बना रखा है? मेरा ये हाल उस संतोष ने बनाया, मैं उसे। वो बहुत अच्छा लड़का है, उसने मुझे कितनी बार कहा कि मैं आपके पास चली जाऊं। क्या वो संतोष हम दोनों को मिलाना चाहता था? मैंने तो आपको कितनी बार फोन किया था, पर कोई हमेशा कहता था भाई बिजी है और फोन काट देता था। रॉन्ग नंबर मतलब मेरी बीवी थी। तूने ऐसा क्यों किया बिहारी? आप दोनों मिल जाते तो मेरी नौकरी चली जाती ना। क्या चालू आदमी निकला,
जरा वो तलवार देना। तलवार भाई? हाँ देना। चल भाग ले बिडू। ये बताओ तुम मेरी बात मानोगे या नहीं? नहीं मैं नहीं मानूंगा। बच्चों जैसे बिहेव मत करो। मैं बच्चा ही हूँ। मुझे पता है तुम एक बच्चे ही हो, तभी तो तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। चलो मुझे जब सुना होगा सो जाऊंगा। तुम जाकर के सो जाओ, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। अब बात को ज्यादा बढ़ाओ मत, मुझे गुस्सा आ जाएगा। Stop it! Please just stop it! पार्टी में लड़ाई, दुकान में लड़ाई और घर में भी लड़ाई। लड़ाई करने से तो अच्छा है आप मेरे पेरेंट्स की तरह तलाक लेके अलग क्यों नहीं हो जाते आंटी? मैं परेशान हो गई हूँ आप लोगों से। पूजा तुम हमें ठीक से समझ नहीं पाई बेटी, तुम्हें बस हमारी लड़ाइयाँ दिखती हैं, पर उस लड़ाई में हमारा प्यार नहीं दिखता। हम दोनों सोने के लिए नहीं लड़ रहे थे बेटी, बल्कि ये मुझसे दवाई लेकर सोने के लिए कह रही थी। मैं इससे अलग होके कभी भी नहीं रह सकता बेटी, अगर इसे एसी सूट नहीं करता तो मैं एसी बंद करके सोता हूँ। हमारे पास कोई बच्चा नहीं है ना, इसलिए हम लोग बच्चों की तरह लड़ाई करते रहते हैं। तुम्हें प्यार का तब तक पता नहीं चलेगा जब तक तुम प्रेम नहीं करोगी। एक इंसान से दोस्ती करना वो हमारा फैसला हो सकता है, पर प्यार करना हमारे बस में नहीं होता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी प्यार ना किया हो। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, ओल्ड एज में प्यार कभी भी किसी से कहीं भी हो सकता है। अब तो इंसान का चांद पर जाना भी कोई मुश्किल नहीं है बेटा, पर मुश्किल यह है कि दोस्ती और प्यार में फर्क कैसे करें। प्यार हमको आंखों से दिखाई नहीं देता, पर प्यार को दिल में हम हमेशा महसूस कर सकते हैं बेटा। प्यार हमको आंखों से दिखाई नहीं देता, पर प्यार को दिल में हम हमेशा महसूस कर सकते हैं बेटा। हेलो प्रिया, संतोष। क्या हुआ प्रिया, तुमने मुझे इस वक्त बुलाया? हे रिलैक्स संतोष, रिलैक्स, कहीं चलकर बात करें। इस वक्त कहाँ? चलो ना संतोष। क्या बात है प्रिया? मिस्टर हैप्पी, तारों के बिना आसमान, स्माइल के बिना तुम्हारा फेस अच्छा नहीं लगता। स्माइल स्माइल। कहाँ चले? बताओ ना प्रिया, कहाँ जा रहे हैं? एक घंटा वेट करो, सब पता चल जाएगा। संतोष, तुमने अपने पहले लेटर में कहा था कि तुम कन्याकुमारी में मेरे लिए गिटार प्ले करोगे। बारिश हो रही है, वहाँ उस बस स्टॉप पर चलते हैं। हाँ ओके। संतोष कम ऑन आओ। हाँ आ रहा हूँ। आओ ना। यप कमिंग। प्रिया हाय, तुम कब आए?
बस थोड़ी देर पहले। ट्रिप कैसी रही प्रिया? It was amazing. जो जगह लेटर्स में लिखी थी उन जगहों पर संतोष के साथ जाना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ पूजा। संतोष, क्या तुम मेरे साथ चर्च चलोगे? सॉरी पूजा, बारिश खत्म होने के बाद मुझे प्रिया को घर छोड़ना है। इट्स ओके, यू कैरी ऑन। प्रिया, थैंक यू, बाय बाय संतोष। कितने खुश लग रहे हैं दोनों। अगर मैंने उस दिन संतोष को ना नहीं कहा होता तो आज मैं भी बहुत खुश होती। शायद मेरी किस्मत में संतोष नहीं था। चल जाने दे। संतोष कम, चलो ना। क्या कर रही हो? संतोष कम, अरे जल्दी। कहाँ भाग रही हो? अरे भागो संतोष, जल्दी करो, बस पकड़ो, चलो जल्दी। अरे भागो ना, भागो, पहले बस पकड़ो, जल्दी करो। आओ प्रिया, अरे गो, जल्दी हाथ दो, जल्दी करो, कम ऑन, आराम से। प्रिया, अपनी बाइक छोड़कर बारिश में भागकर ये बस पकड़ना जरूरी था क्या? इसमें भी एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? तुम्ही ने तो अपने लास्ट लेटर में लिखा था कि बारिश में भागकर बस पकड़कर बस डोर पर तुम्हें खड़े होना है। लगता है इनकी शादी नहीं हुई, इतनी अच्छी जोड़ी है, हम लोग भी ऐसे ही करते थे ना। ए, बस रुको। संतोष, खून? तुम्हें चोट लगी है? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो ना प्रिया? हाँ मैं ठीक हूँ। श्योर ना? ओके। हाँ मैं ठीक। प्रिया, 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 प्रिया। ये सब अनजाने में एक्सीडेंट। मुझे माफ कर दो संतोष, मुझे पता था कि तुम पूजा से प्यार करते हो, फिर भी मैंने झूठ कहा ताकि तुम प्रिया से प्यार करो। उस दिन तुमने मुझसे सब कुछ सच कहा था, लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला था।
खुद को जिताने के लिए मैंने तुमको धोखे में रखा। देखो भगवान ने उसके साथ क्या किया। मैं समझ सकता हूं तुम्हारा किसी से प्यार करना और किसी के साथ सच्चे प्यार की एक्टिंग करना। अब बस संतोष, अब और नाटक की जरूरत नहीं। जाओ और जाकर पूजा को सब सच बता दो उसे कि तुम उससे प्यार करते हो। अगर तुम दोनों मिल जाओगे तो मेरा ये घिनौना पाप भी शायद कुछ कम हो जाएगा। बस भगवान से ये दुआ करना कि मेरी बहन बच जाए। ये रिक्वेस्ट है तुमसे। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? सर पे गहरी चोट है, ब्रेन डैमेज हो चुका है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, पैसे की चिंता मत कीजिए। बात पैसे की नहीं है, संतोष। आई एम फ्रॉम कार्टून गाइज। मैं प्रे करूंगा कि तुम जल्दी से ठीक होके हैप्पी लाइफ जियो और बस ऐसे ही स्माइल करती रहो। आज तक मैंने बहुत लोगों के लिए विश किया होगा, पर लाइफ में पहली बार मैं अपनी जिंदगी के लिए भगवान से विश कर रहा हूं। गेट वेल सून प्रिया। मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे प्रपोज करना है। आई लव यू मत कहना संतोष। संतोष, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें ये जगह याद है? इसी स्टेशन पर हम दोनों पहली बार मिले थे। तब से आज तक मैं काफी बदल गई हूं। कुछ हैप्पी मोमेंट्स, कुछ सैड मोमेंट्स। मुझे काफी देर से एहसास हुआ कि प्यार दोस्ती से शुरू होता है। मैंने बहुत देर कर दी संतोष। मुझे प्यार से नफरत है और उसकी वजह से देखो ना कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो। पर अब मुझे प्यार का मतलब समझ आ गया है। अब मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। प्लीज आई लव यू मत कहना पूजा। तुम्हें मेरी वजह से प्यार का मतलब समझ आया, लेकिन प्यार का सही मतलब मैंने प्रिया से सीखा है। उसे पता ही नहीं था कि मेरा प्यार सच्चा है या झूठा। प्रिया की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वो मुझे हर पल खुश रख सके। उसके प्यार के आगे मेरा प्यार कुछ भी नहीं। प्यार वो नहीं जो अपने लवर को फूल और ग्रीटिंग कार्ड देके हो जाए। उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं और वो सारी खुशियां जिंदगी भर के लिए अपने लवर को देना ही सच्चा प्यार होता है। प्रिया ने मुझे वही प्यार दिया है। मैंने बहुत लड़कियों को प्रपोज किया,
पर जिस लड़की को मैंने प्रपोज नहीं किया वो थी प्रिया। प्रिया के जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं प्रिया से कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता हूं। इसी प्यार के सहारे पूरी जिंदगी जी लूंगा। अभी भी प्रिया मेरे साथ ही है। कभी कभी लाइफ आपको प्यारे प्यारे सरप्राइज दे देती है और मेरे लिए यही जिंदगी है जो अब मेरे लिए काफी है, क्योंकि प्रिया की यादें ही मेरी सांसें हैं। पूजा, लेट्स बी गुड फ्रेंड्स, हैप्पी जर्नी। लोग कहते हैं प्यार दोस्ती से शुरू होता है, पर मेरा प्यार संतोष ने एक्सेप्ट नहीं किया और हम वापस दोस्त बन गए। पर मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी संतोष।